हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाइट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको एंटिटी टू इयर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जिन बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम जो एनसीटी वाला सर्टिफिकेट होता है एंटिटी टू इयर्स का, उसको वैलिड नहीं माना जाता और ना ही वो किसी पोस्ट में एलिजिबल होता है, तो मैं आज आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ कि एनसीटी के सर्टिफिकेट के बेस पे किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और कैसे हुआ है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही अगर आपने ईसीसी कोर्स फिल किया है, ईसीसी या फिर डीईसी कोर्स में आपने ज्वाइनिंग ले रखी है और आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप मेरे से क्लियर करना चाहते हो, तो मैं अपने इंस्टा पेज पे डेली 4:30 पे लाइव आती हूँ। तो प्लीज आप मेरी इंस्टा के पेज को फॉलो कीजिए, उसका प्रोफाइल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसको फॉलो कीजिए। गुरसहज कोचिंग क्लासेस के नाम पे पेज है और 4:30 पे मेरे साथ लाइव में आप जो भी डाउट्स रहेंगे आपके वो सभी मैं क्लियर करूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये रिसेंटली वाला आपका नोटिफिकेशन है 24-25 का, केबीएस की जो पोस्ट है उसका ये नोटिफिकेशन है, केबीएस वैकेंसीज का, जो हम बाल वाटिका की वैकेंसीज बोल देते हैं। यहाँ पे ना जो बाल वाटिका टीचर की वैकेंसीज आई थी, वहां पे जो नोटिफिकेशन था, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या मांगा गया था कि प्लस टू होनी चाहिए और उसके साथ जो डिप्लोमा होना चाहिए वो एनटीटी का होना चाहिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम, जो कि नॉट लेस देन टू इयर्स, आपका टू इयर्स का वो डिप्लोमा होना चाहिए, ये जो कि आपका एनसीटीई रेकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंडर होना चाहिए। तो जैसे ही आपको पता है कि जो एनसीटीई है उन्होंने 2013 के बाद जो कोर्स करवाना बंद कर दिया है, वो रेगुलर मोड में कोर्स नहीं करवाती, उन्होंने इस कोर्स को बंद कर दिया। आफ्टर दैट ये जो कोर्स होता है ये आपका मान के चलो डिस्टेंस लर्निंग में होता है, रेगुलर कोर्स नहीं होता। अगर कोई रेगुलर करना चाहता है तो ओनली गर्ल्स कर सकती है, उसको डीपीएससी कोर्स बोलते हैं। जो ये पोस्ट आई थी, इस पोस्ट में मीनिंग उन्होंने लिखा हुआ था कि आपके पास जो रेगुलर मोड वाला होना चाहिए, बट मेरा एक कैंडिडेट था या फिर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट थे जिन्होंने एनसीटी के बेस पे भी इसको अप्लाई किया था और उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये मान के चलो और भी बहुत सारी इसमें पोस्ट थी, पीआरटी की थी या फिर अदर योगा कोर्सेज की भी बहुत सारी पोस्टेस थी। तो अगर मान के चलो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम जो एनसीटी वाला डिप्लोमा होता है उसको तो इनवैलिड माना जाता है, वो वैलिड नहीं होता, प्लीज इसके बारे में बताइए। तो जो एनसीटी प्लेटफॉर्म है वो आपका डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर ईसीसी कोर्स करते हो वो ओडीएल मोड में होता है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में, सेम ही जो एनसीटी का प्लेटफॉर्म है वो भी आपका डिस्टेंस लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। अगर उसमें अच्छे वे में, जैसे मान के चलो आपका डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है उसके बेस पे आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, तो आपका जो कोर्स है वो अप्रूव्ड होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अभी मैं आपको शो कर रही हूँ उनका मान के चलो जहाँ पे नाम आया है, जैसे जो क्लाइंट है उन्होंने मीनिंग इस पे पोस्ट में अप्लाई किया था और उनका जो रैंक है वो 2 आया था, उनका सिलेक्शन हो गया और अभी उनका सक्सेसफुल ज्वाइनिंग भी हो चुका है। उन्होंने एंटिटी 2 ईयर कोर्स क्या है कंप्लीट किया था, तो ये उनका नाम है गुड्डी कुमारी, और मैं इनका सर्टिफिकेट भी शो करूंगी आपको, जो कि इन्होंने हमारी फर्स्ट जो ब्रांच है वहां से इश्यू करवाया था, वहां से इन्होंने कोर्स किया है वो कंप्लीट किया था, तो रैंक इनका 2 आया है। अभी मैं आपको एक बार इनका सर्टिफिकेट भी शो कर देती हूँ। तो ये इनका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है, बाकी इसका एक और सर्टिफिकेट है वहां पे इनकी पिक लगी हुई है तो वो मैं शो नहीं करूंगी। तो हमारी ब्रांच है एसबी एजुकेशन बरनाला, जैसे आपको बताया कि अभी जो मेरे सेंटर का नाम है गुरसहज कोचिंग सेंटर बरनाला है, तो पहले वाली जो हमारी ब्रांच का नाम था वो एसबी एजुकेशन था, तो एसबी एजुकेशन के अंडर हमने इनको कोर्स कंप्लीट करवाया था, ऑनलाइन पूरा कोर्स कंप्लीट किया था। अभी जो इनकी पोस्ट आई थी तो इन्होंने इस पोस्ट में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इनका इंटरव्यू हुआ और तो इन्होंने अच्छे वे में अपना इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन आई, हमने वेरिफिकेशन डन करके दिया प्रॉपर वे में, आफ्टर फिर उसके बाद इनका जो ज्वाइनिंग है वो हो चुका है। तो इतनी सी बात तो क्लियर होती है कि अगर मान के चलो आपके पास एनटीटी का 2 इयर्स का अंडर एनसीटी के डिप्लोमा है, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी होगा, अगर आप इंटरव्यू अच्छे वे में करोगे या फिर अगर कोई एग्जाम के बेस पे आती है तो आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी का जो प्रोसेस रहता है वेरिफिकेशन का वो आपका डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट वाले पे, कि इंस्टीट्यूट वाले आपका जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करके देते हैं। एक वेरिफिकेशन होता है वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो इंस्टीट्यूट की जो भी वेबसाइट बनी होती है वहां पे वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन शो कर देते हैं। एक वेरिफिकेशन होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन लाइक मान के चलो जहां भी आप अप्लाई करते हो, जिस भी मान के चलो डिपार्टमेंट पे आप अप्लाई करते हो वहां से लेटर के अकॉर्डिंग भी वेरिफिकेशन मांगा जाता है। अगर वो वेरिफिकेशन आपके डन हो जाती है
तब जाकर आपका जो कोर्स है या फिर डिप्लोमा है वो अप्रूव्ड माना जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी बात करते हैं कि मैम हम फिर कैसे पता करें कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो वेरिफिकेशन प्रॉपर वे में देता है। तो अगर आप कहीं भी अपने नियर किसी भी इंस्टीट्यूट में एनटीटी 2 ईयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है जो एनसीटी केंद्र होता है। अगर आप कहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मान के चलो उस इंस्टीट्यूट से ये बात कन्फर्म कर सकते हो कि सर आप कितने टाइम से अपना जो वर्क है ये फिर इंस्टीट्यूट चला रहे हो और आपके अंडर जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन है वो कितनी आई है और कितने जो स्टूडेंट्स हैं आपके मार्केटल सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मंचल इस वीडियो में मैं एक ही आपको ये स्टूडेंट्स का शो कर रही हूँ, बट मेरे यहाँ पंजाब में भी 2 से 3 जो स्टूडेंट है पहले सिलेक्ट हो चुके थे और उन्हों की मान के चलो मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आंगनबाड़ी डिपार्टमेंट में भी 2 मैम्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और DSSSA में भी सिलेक्शन हुआ है। अभी NCT के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। DSSSA में सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने बाद में मान के चलो निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फेस टू फेस मोड नहीं है। वहां पे इसका लॉजिक चलता है कि वो दिक्कत मान के चलो वो प्रॉब्लम फेस हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि आपके पास रेगुलर वो वाला होना चाहिए। तो अगर कोई वहाँ पे वैकेंसीज में आपका रेगुलर मांग रहा है, पूरा रेगुलर मांग रहा है, तो वहाँ पे DPSC कोर्स चलेगा जो कि जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, वही कोर्स आपका फुल एलिजिबल रहेगा। अदरवाइज कोई भी एंटिटी रेकोग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंडर कोई भी पोस्ट आती है या वैकेंसीज आती है जिसमें ये मांगा जाता है कि आपका मान के चलो एंटिटी 2 ईयर कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर, तब आप एनसीटी वाला अप्लाई कर सकते हो। बट डेफिनेटली ये है कि आप इंस्टीट्यूट से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपके यहाँ पे जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो आप प्लीज उनका मुझे प्रोसेस शो कर सकते हो या जो भी उनके पास प्रूफ है वो शेयर कर सकते हो, आफ्टर ही आप वहाँ पे अपना जो कोर्स है उसका ज्वाइनिंग ले सकते हो। अभी इस वीडियो में यही था दिखाना कि आपके पास जितने भी मेरे पास डाउट्स आते हैं कि एनसीटी वाला मैम ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये अप्रूव्ड होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कर दिया है। और बॉयज में भी पूछते हैं कि मैम ECC कोर्स हम कर सकते हैं जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी 1 ईयर का करवाती है। हाँ जी आप कर सकते हो ECC कोर्स, बट ECC कोर्स में जो कोर्सेज आएंगी वहाँ पे जो फीमेल्स है या फिर जो गर्ल्स है उनके लिए ज्यादा चांसेस रहेंगे, बॉयज के लिए कम रहेंगे, क्योंकि ECC प्री प्राइमरी वाले बच्चों को टीच करने के लिए जो कोर्स होता है वो करवाया जाता है और वहां पे जो पोस्ट आती है वो भी मोस्टली फीमेल के लिए आएगी। आपके लिए अगर आप करना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, एक तो आपके पास रेगुलर ऑप्शन है जैसे कि DLED कोर्स कर सकते हो या फिर आप एनटीटी 2 ईयर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कोई भी मान के चलो पोस्ट आती है ECC के बेस पे या फिर एनटीटी के बेस पे, तब आप उस पोस्ट को फिल कर पाओगे। पोस्ट के क्वालिफिकेशन क्रिटेरिया पे लाइक जो भी उनका मान के चलो आता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका एज मैटर, सब आप उसका अगर फुलफिल करते हो तभी अप्लाई कर सकते हो। फिर भी एनटीटी 2 ईयर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप मेरे साथ लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो ऑन इंस्टा पे मेरा जो पेज है गुरसहज कोचिंग क्लासेस के नाम पे है, आप सर्च भी कर सकते हो या फिर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फॉलो कर सकते हो। मैं इवनिंग में 4:30 पे लाइव आती हूँ और जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं ECC के रिगार्डिंग या फिर एनटीटी 2 ईयर्स कोर्स के रिगार्डिंग या एनटीटी 1 ईयर के कोर्स के रिगार्डिंग, सभी डाउट्स क्लियर करती हूँ। अगर आप कोई ऐसे टीचर हो जो कि आप फॉरेन जाना चाहते हो और टीचिंग लाइन में हो और वहाँ पे टीचर की जॉब करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं बहुत सारे स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप वो कोर्स भी करना चाहते हो तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात और, अगर मैं आपका कॉलिंग अटेंड ना कर पाऊँ क्योंकि कॉल्स रैंडमली आ रही है, तो अगर कॉल अटेंड ना हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। सो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।